हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है इस ब्लॉग में। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी मैं यहाँ पे घूमने आया हुआ हूँ। मुझे सुबह सुबह घूमना अच्छा लगता है। मैं सोचा जाके थोड़ा सा यहाँ नदी के किनारे घूम के आऊँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा तो फिर आज का दिन भी बन जाएगा। चलिए, मैं आज का स्पेशल आपको एक जगन्नाथ जी की कथा सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, वो जो मेरा अनुभूति है। ठीक है, चलिए घर चलते हैं। कितनी सुंदर हवा चल रही है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है बैठने में। मैं तो कभी कभार जब टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे आ ही जाता हूँ बैठने के, तो मन भी शांत हो जाता है, अच्छा लग रहा है। दिन भर के काम में तो थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर टहलने आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह यहाँ पर घूमना। अभी तो फिलहाल मैं आ गया हूँ गाड़ी के पास, चलिए चलते हैं। चलिए घर चलते। ये जैस्मिन का स्कूल है, अभी तो फिलहाल बंद है कोविड के लिए। यहाँ पे वो पढ़ने आती है, देख रहे हैं आप लोग। अभी आ गए फिलहाल घर, जैस्मिन के लिए लेके आए हैं आलू भुजिया, दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। कल मेरे साथ एक बहुत अद्भुत घटना घटी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले रथ यात्रा का दिखाया था वीडियो। यहाँ पे जो रथ यात्रा होता है तो यहाँ उड़ीसा जो स्टेट है वो प्रभु जगन्नाथ जी के नाम से ही जाना जाता है। हमारे जो चार धाम है, चार धाम में से पूरी जगन्नाथ मंदिर एक धाम है और वहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से फॉरेन से आते हैं प्रभु जगन्नाथ को के दर्शन के लिए। अभी रथ यात्रा चल रहा था यहाँ पे। अभी रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा तीनों साथ होके अपने मामा के घर जाते हैं। वहाँ पे वो लोग कुछ दिन रुकते हैं और वहाँ से फिर से वापस आते हैं। रथ यात्रा को घोषा यात्रा बोला जाता है और जब वापस आते हैं तो उसको बाहुड़ा यात्रा बोला जाता है। मेरा कब से मन था, जब भी मैं पुरी जाता था, मैं कब से मेरा मन था कि मैं वहाँ पुरी से ये वाला, ये भगवान का ये जो मूर्ति है लेके आऊँ। लेकिन मुझे कभी भी, मैं इतना मतलब कभी सीरियसली लिया नहीं था, कभी मैं ये मूर्ति नहीं लेके आ पाया। अभी इस साल क्या हुआ कि मुझे बहुत मन किया कि मैं सुबह सुबह जाके प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करूँ, उनके पास जाऊँ, उनके पास माथा टेक के आऊँ। मैं गया और माथा टेका भी वहाँ पे, वहाँ से प्रसाद भी लेके आया था, मैं दिखाया था आपको पिछले वीडियो में। अभी कल क्या अचानक हुआ, हाँ सॉरी, दो दिन पहले मैं अपने सिस्टर के साथ एक ज्वेलरी शॉप में गया था, उसका भी मैं वीडियो डालूंगा, मैं दिखाऊंगा। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी और वहाँ पे एक गोल्ड प्लेटेड लॉर्ड जगन्नाथ का एक मूर्ति था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उस टाइम में मैं प्रिपेयर होकर नहीं गया था, इसके लिए मैं फिर से वहीं से भी वापस आ गया। सोचा कि नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वहाँ से लूँगा। कल रात को क्या हुआ है कि मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ, अचानक मैं और जैस्मिन की मम्मी, हम लोग बात कर रहे हैं। अचानक से मुझे क्या, जैस्मिन की मम्मी बोली कि मेरा, कि जैस्मिन कहीं से एक जगन्नाथ जी का ये वाला जो मूर्ति है लेके आई। मैंने पूछा कौन ला के दिया, तो वो बोली कि मेरा जो छोटा भाई है वो कल पूरी गया हुआ था,
उसकी एक कज़िन सिस्टर की शादी थी, तो वो वहाँ से लेके आया है पूरी से। तो मैं रात के कम 12 बज रहे थे उस वक्त, मुझे मैं शौक हो गया लिटरली ये सुन के। और उसके बाद मैंने जब लाइट दे के देखा तो भगवान यहीं पे बैठे हुए थे। जासमीन ने लाके इनको यहाँ पे रखा हुआ है। कल हम फॉर्मली मतलब ये मूर्ति की पूजा करेंगे। ये है भगवान की कृपा। देखिए मैं उनका प्रसाद खाने के लिए क्या कैसे हो रहा था, अभी देखिए भगवान खुद ही आ गए यहाँ पे और मेरे पे इतना कृपा किए। मैं इतना खुश हूँ कि भगवान की कृपा हमेशा ही हम सब पे बनी रहे। और यहाँ जो कोरोना का महामारी अभी चल रहा है वो ऐसे ही चला जाए यहाँ से, और भगवान हमारे साथ हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि भगवान मेरे मन के अंदर जो इच्छा थी भगवान खुद घर मेरे घर में आके वो पूरी कर दी। जय जगन्नाथ। क्या हो रहा है वहाँ, क्या है वहाँ, क्या है? तो हमेशा इसमें ही काम रहता है, कपड़ में कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। क्या इयररिंग है? इयररिंग है। वाह, लगा के दिखाओ। देखिए मैं बना रहा हूँ मसाला मुड़ी, इसके लिए मैं प्याज काट रहा हूँ अभी। तो ये प्याज रेडी हो जाएगा तो फिर इसमें फिर मुड़ी मिलाएंगे और मिक्सचर भी मिलाएंगे। प्याज को अभी छोटे छोटे पीस में काट रहे हैं, अभी इसमें मिक्सचर मिलाएंगे और मूढ़ी भी मिलाएंगे और मसाले डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, सब मिला के आपको मूढ़ी मिक्सर बनाना सिखाते हैं। अभी प्याज रेडी है, देखिए अभी हम लोग इसमें मूढ़ी मिलाएंगे। एक मिनट, अभी देखिए मिक्सचर और मूढ़ी बन रहा है। अभी उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और आमचूर पाउडर डालेंगे, ठीक है? अभी देखिए इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल, ठीक है, हो गया। अभी सरसों का तेल डाल लिया हम लोग, अभी देखिए इसको मिक्स करेंगे, फिर आमचूर पाउडर भी डाल लिया इसमें। रखो, नीचे गिर गया भाई, सब गोले लो। अभी देखिए हो गया तैयार, ठीक है। इसमें आप चाहें तो मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका खाने का मज़ा लेते हैं, ये एक स्नैक्स टाइप का काम में आता है। अभी ये चाय के साथ भी आप लोग ले सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। तो चल रही मेरे साथ, देखिए दोस्त के घर।
मेडिसिन लेने आया हुआ था, बॉडी बहुत दर्द कर रहा है, पेंट भी अभी हो गया है। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना अभी, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे लेके खड़े हुए हैं। अभी तो पुलिस वाले फिलहाल है नहीं, अभी तो यहाँ पे कर्फ्यू भी हो गया है, अभी नाइट कर्फ्यू। मैं थोड़ा बाहर टहलने आया था, चलिए जल्दी चलते नहीं तो फिर डंडे पड़ेंगे।